भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद डी राजा ने शनिवार को सोनभद्र के उम्भा गांव का दौरा किया। आपको बता दें कि 17 जुलाई को उम्भा गांव में जमीनी विवाद में 10 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अभी तक नहीं मिली है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जसपुर विधायक के नेतृत्व में कुंडा थाने का घेराव किया। विधायक ने ईद तक बच्ची की बरामदगी नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कुंडा थाना क्षेत्र के गड़ी नेगी गांव निवासी धर्मेंद्र मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। धर्मेंद्र का बेटा आयुष 24 जून को खेलने गया था, जिसके बाद से वो लापता है। फिलहाल कुंडा थानाध्यक्ष ने कहा है कि बच्चे की खोज के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है और जल्दी ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। गली नेगी से एक बच्चा लापता हुआ, जिसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने कुंडा थाने का घेराव किया, विधायक भी उनके साथ थे। डीआईजी का कहना है कि मैं एक स्पेशल टीम उसी के लिए बना देता हूँ, आप जरा शांति रखें। हमने अभी ये कहा भाई 12 तारीख को ईद है, अगर मान लिया 12 तक नहीं मिलता तो गांव वालों से मैंने कहा है कि आप दरी और टेंट लेकर आएँ, 12 के बाद हमें धरना देना पड़ेगा जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि बार बार समय देना ठीक नहीं लग रहा। हमने सोचा था कि अगर हम धरना प्रदर्शन में लगे रहेंगे तो पुलिस हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द हो जाएगी, कि पुलिस काम करती रहे, और जनता को हमने समझा के रखा कि भाई ठीक है, आक्रोशित ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना धरना प्रदर्शन के काम होने वाला नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूर होकर सड़कों पर जनता को आना पड़ेगा और यहाँ थाने में हमें धरना देना पड़ेगा।